मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मैम। मॉर्निंग। दो लता इनके, लता वर्मा और लता यादव। भैया लता वर्मा ही है, एक लता यादव भी है, दो लता इनके इसमें। मैम लता वर्मा। हाँ लता वर्मा तो लगा दी बेटा, लता यादव भी आ रहा था अभी, कोई दो इनके, लता वर्मा तो लगा दी। पूजा कुमावत, पिंकी पता नहीं मैम। चौधरी, दिव्या शर्मा, पूजा चौधरी, खुशबू, रितिका, पिंकी चौधरी, सृष्टि गोयल, मोनिका चौधरी, नीतू बागड़ी, आरती चौधरी, सुनीता चौधरी, सृष्टि गोयल, साक्षी पालीवाल, सुरंजना वर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, आज अपन बात किसकी कर रहे हैं? कल रिक्शे की बात कर रहे थे, एक दो जने को आठ तीन हो गए, आठ पांच हो जाए तो फिर करते हैं स्टार्ट। मैम नोट सेंड नहीं किए आपने? बेटा आपके पास जो बुक है ना, बुक्स नहीं है क्या आपके पास? नो मैम। मैं कर दूंगी आज, करती हूँ बेटा, 100% आज करती हूँ आपको पक्का, ठीक है? आज करती हूँ आपको। अच्छा बेटा, अपन स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया थैलस। तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया थैलस के बारे में बात करेंगे। एक दो जनों को और आ जान दो, फिर अपन बात करते हैं। बेटा द थैलस ऑफ रिक्सिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए डोर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन एंड ए वेंट्रल स्टोरेज रीजन। सो फोटोसिंथेटिक रीजन, दिस फोटोसिंथेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्टिकल रोज ऑफ अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ऑल द सेल्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स एक्सेप्ट द अपरमोस्ट वन आर सिमिलर। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन न्यूमरस डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, द टर्मिनल सेल्स आर लार्जर एंड कलरलेस एंड कलेक्टिवली फॉर्म एन इल डिफाइंड लूज एंड डिसकंटिन्यूअस अपर एपिडर्मिस। बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? आंतरिक संरचना। तो उसकी स्लाइड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं भी, ठीक है? तो देखना बेटा, अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं एक। ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, दिख रहा है सबको? ये वाला दिख रहा है बेटा? यस मैम। इसको दिखा रही हूं बेटा मैं, रिक्सिया के परिपक्व थैलस, मतलब रिक्सिया थैलस इंटरनल स्ट्रक्चर। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थैलस। ये क्या है? थैलस का अनुप्रस्थ काट है, ठीक है? कौन सा? ए डायग्राम। और बी डायग्राम क्या है? ए पार्ट ऑफ टीएस ऑफ थैलस शोइंग सेलुलर डिटेल्स। इसकी मैं बात करूंगी रिक्सिया के परिपक्व थैलस की आंतरिक संरचना। बेटा दो क्षेत्रों में विभक्त होती है, ऊपर की ओर का क्षेत्र प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र कहलाता है। ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, ऊपर की ओर का जो क्षेत्र है
ये फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र कहलाता है, तथा नीचे की ओर का क्षेत्र अब स्टोरेज रीजन मतलब संचयी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप डायग्राम में क्या देख रहे हो, मतलब रिक्सिया के थैलस में दो क्षेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, फोटोसिंथेटिक रीजन, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ, ये वाला भी डायग्राम देखो, ये दिख रहा है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, और नीचे की ओर का जो हिस्सा है उसको अपन कहते हैं, नीचे की ओर का हिस्सा क्या कहलाएगा, स्टोरेज रीजन, संचयी क्षेत्र। अब मैं बात करती हूँ प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र की, फोटोसिंथेटिक रीजन की। तो यह क्षेत्र क्लोरोप्लास्ट युक्त विलगित उदग्र कोशिका पंक्तियों का बना होता है, मतलब जो फोटोसिंथेटिक रीजन है इसमें, इस मतलब फोटोसिंथेटिक रीजन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो आप चित्र में देख रहे हो, और इन फोटोसिंथेटिक सेल्स में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो यह क्षेत्र मतलब प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र क्लोरोप्लास्ट युक्त विलगित उदग्र कोशिका पंक्तियों का बना होता है। यह पंक्तियां प्रकाश संश्लेषी तंतु कहलाते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये जो है पंक्तियां फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कहलाते हैं। प्रत्येक तंतु की शीर्षस्थ कोशिका आकार में बड़ी होती है, वह काचाव होती है तथा हरित लवक रहित होती है। ठीक है, ये कोशिकाएं थैलस की ऊपरी अधिचर्म बनाती हैं, अपर एपिडर्मिस बनाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के बीच संकीर्ण अथवा चौड़े वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। मतलब ये देख लो आप, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, इनके बीच में क्या मिलेगा अपन को, एयर चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं। वापिस बोल रही हूँ, प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के बीच संकीर्ण अथवा चौड़े वायु कोष्ठक एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। तो जो नैरो एयर चैम्बर्स हैं संकीर्ण वायु कोष्ठक है, वो तो रिक्सिया पठानकोटेंसिस में पाए जाते हैं। वह रिक्सिया हिमालयंसिस में पाए जाते हैं। वह चौड़े वायु कोष्ठक एयर चैम्बर्स रिक्सिया रोबस्टा में पाए जाते हैं। तो प्रत्येक एयर चैम्बर, प्रत्येक वायु कोष्ठक 4 से 8 तंतुओं के द्वारा घिरा रहता है तथा थैलस की अपाक्ष सतह पर वायु छिद्र द्वारा खुलता है। ये देखना, ये ऊपर की ओर क्या है, वायु छिद्र। तो वायु छिद्रों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय गैसों का आदान प्रदान होता है। तो कहने का मतलब है बेटा, आप याद रखोगे, द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नैरो और वाइड एयर चैम्बर्स। तो जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आपको बी डायग्राम में दिख रहे हैं, इनके बीच बीच में क्या है बेटा, एयर चैम्बर्स हैं। ठीक है, एंड दीज एयर चैम्बर्स आर नैरो इन रिक्सिया डिस्कॉलर और रिक्सिया मिलेनोस्पोरा, वेरस द एयर चैम्बर्स आर वाइड इन रिक्सिया रोबस्टा। दीज एयर चैम्बर्स ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू सिंपल एयर पोर्स ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। तो आप याद क्या रखोगे बेटा, कि रिक्सिया की थैलस की जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो ये दो स्पष्ट क्षेत्र अपन को दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र व संचयी क्षेत्र, फोटोसिंथेटिक रीजन व स्टोरेज रीजन, और प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी तंतु पाए जाते हैं, और इन प्रकाश संश्लेषी तंतु की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाए जाते हैं।
ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के बीच में संकीर्ण अथवा चौड़े वायु कोष्ठक एयर चैम्बर्स भी पाए जाते हैं, और ये वायु कोष्ठक वायु छिद्र के द्वारा थैलस की अपाक्ष सतह पर खुलते हैं। तो ये चीज आप याद रखोगे। फिर कुछ जातियों में जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस तथा रिक्सिया क्रूसिएटा के प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में वायु कोष्ठकों के एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। ये कोष्ठक एक दूसरे से एक कोशिक मोटाई के अनियमित पटो द्वारा पृथक रहते हैं। अब ये तो हो गई बेटा किसकी बात, फोटोसिंथेटिक रीजन की बात। दूसरा क्षेत्र क्या दिख रहा है अपन को ए और बी डायग्राम में, है ना, इसमें देख रहा है अपन को क्या दिख रहा है ए और बी डायग्राम में, संचयी क्षेत्र, स्टोरेज रीजन। तो ये देखो, ये जो क्षेत्र है संचयी क्षेत्र है, ये सघन रंगहीन मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है। मतलब जो संचयी क्षेत्र है वो डेंस कलरलेस पेरेन्काइमेटा सेल से बना होता है, और इस संचयी क्षेत्र में, ये मैं घुमा रही हूँ, इस संचयी क्षेत्र की कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि बेटा जो स्टोरेज रीजन दिख रहा है, इनकी कोशिकाओं में मतलब क्लोरोप्लास्ट हरित लवक नहीं पाए जाते। जैसे कि मैंने बताया था जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स की कोशिकाएं हैं उनमें तो हरित लवक उपस्थित होते हैं, लेकिन जो संचयी क्षेत्र की कोशिकाएं हैं उनमें हरित लवक नहीं पाए जाते, मतलब क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज रीजन में एब्सेंट होते हैं। तथा अंतर कोशिकीय अवकाश इंटरसेलुलर स्पेसेस भी संचयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। ये देख रहे हो जो संचयी क्षेत्र है, स्टोरेज रीजन है, स्टोरेज रीजन कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इनके बीच में कोई भी अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते, और इन संचित क्षेत्र स्टोरेज रीजन की कोशिकाओं में संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। मतलब द सेल्स ऑफ द स्टोरेज रीजन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसी कारण से इस क्षेत्र को संचयी या संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र की मतलब संचयी क्षेत्र की सबसे निचली परत लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती है, या लोअर एपिडर्मिस को निरूपित करती है, और निचली अधिचर्म से मतलब लोअर एपिडर्मिस से ये आप देख रहे हो मूलाभास व शल्क विकसित होते हैं। तो ठीक है, ये मूलाभास व शल्क विकसित होते हैं। इनिशियली बताती हूँ, स्टोरेज रीजन लाइज बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, स्टोरेज रीजन लाइज जस्ट बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स। द स्टोरेज रीजन इन रिक्सिया इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटा सेल्स, ठीक है, एंड द सेल्स आर डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब स्टोरेज रीजन की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, एंड द सेल्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, मींस द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ऑल्सो एब्सेंट इन द स्टोरेज रीजन ऑफ रिक्सिया, एंड द सेल्स ऑफ द स्टोरेज रीजन कंटेन स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। स्टोरेज रीजन की कोशिकाओं में बेटा स्टार्च संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो अपन ने ये देखा, कल के बारे में बता रही हूँ, कल के डायग्राम भी देख लो जो मैंने बात की थी आपको, कि जो रिक्सिया का सिंगल गेमेटो, रिक्सिया का पादप क्या है, गेमेटोफाइट है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, ये कैसा है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ए डायग्राम में द्विभाजी रूप से शाखित होता है। जो कल बताया था कि जो थैलस है कैसा है, शयान भी हो सकता है, चपटा है, और ये कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है, कल जो बताया था, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और इसके बीच में क्या है, एक मध्यशिरा पाई जाती है, मिडरिप पाई जाती है। अब आपको बताया था डोर्सल सरफेस, मतलब दो तरह के क्या है, राइजॉइड्स हैं,
एक तो बेटा है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, ये देखना सी डायग्राम, ये तो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स दिखा रहे हैं, चिकनी भित्ती युक्त राइजॉइड्स का डायग्राम है। एनलार्ज कर देती हूँ, देखो बेटा ये वाला सी डायग्राम में दिख रहा है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स जो कल बताया था, मतलब और इनकी बाह्य व अंतः भित्तियां खिंची होती हैं अथवा सपाट होती हैं। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको डी डायग्राम में, ये है ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स गुली किए मूलाभास, ये बताया था। और ए डायग्राम और बी डायग्राम में क्या दिख रहा है, दो तरह के स्केल्स बताए थे आपको, स्केल्स भी बैगनी रंग के होते हैं, ठीक है। स्केल सिंगल स्केल्स हैं, स्केल सॉरी सिंगल स्केल्स हैं, ये बैगनी रंग के होते हैं। तो अब इसको स्टॉप शेयर कर रही हूं मैं, ठीक है। अब अपन बात किसकी करते हैं, ये तो हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया, अब बात आती है रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, रिक्सिया में जनन कैसे होता है। तो रिक्सिया में कायिक जनन, रिक्सिया में कायिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा जनन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन रिक्सिया, कायिक जनन। तो रिक्सिया में कायिक जनन अनुकूल वृद्धि काल में होता है और ये शीघ्र प्रवर्धन का साधन है तथा रिक्सिया पादप के समूह स्वभाव के लिए उत्तरदायी है। तो कायिक जनन की प्रमुख विधियां हैं, पहला है विखंडन के द्वारा रिक्सिया में क्या होता है, कायिक जनन होता है, मतलब इन रिक्सिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कैसे होता है, इट अकर्स बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द एजिंग ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, द सेल्स इन द ओल्डर पोर्शंस ऑफ द थैलस डाई ऑफ एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, देन द डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शंस ऑफ द थैलस रीचेस अप टू द डाइकोटॉमी, रीचेस अप टू द डाइकोटॉमी, द यंग लोब्स बिकम सेपरेटेड एंड ईच ऑफ दीज लोब्स बाय एपिकल ग्रोथ ग्रोज इनटू ए न्यू थैलस। तो क्या बता रही हूं मैं, रिक्सिया में विखंडन के द्वारा कायिक जनन होता है, मतलब हिंदी में सुनो थैलस का पुराना भाग, थैलस का पुराना आधारी भाग धीरे धीरे मृत होकर गलता जाता है। थैलस का, रिक्सिया थैलस का जो आधारी भाग है, पुराना आधारी भाग है, धीरे धीरे मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, धीरे धीरे मृत होकर ये गलता जाता है। और यह प्रक्रिया जब द्विभाजी शाखन वाले भाग तक पहुंच जाती है तो दोनों शाखाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। इस प्रकार पृथक हुई शाखाएं स्वतंत्र थैलस के रूप में वृद्धि करने लगती है। दूसरा है बाय एडवेंटिजियस ब्रांचेस, अब स्थानिक शाखाओं के द्वारा भी रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो रिक्सिया की कुछ जातियों में, जैसे कि याद रखना रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस में थैलस की अभ्यक्ष सतह पर वेंट्रल सरफेस पर मध्य शिरा क्षेत्र में अपस्थानिक शाखाएं विकसित होती हैं और यह अपस्थानिक शाखाएं मात्र पादप से पृथक होकर नए थैलस का निर्माण करती हैं। तो इन सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ रिक्सिया लाइक रिक्सिया फ्लूटेंस, मतलब सम स्पीसीज ऑफ रिक्सिया फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया फ्लूटेंस हैव एडवेंटेजियस ब्रांचेस ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द गेमेटोफाइट एंड दीज एडवेंटेजियस ब्रांचेस ऑन सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट थैलस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कहने का मतलब है बेटा रिक्सिया की कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस, उनमें कुछ अपस्थानिक शाखाएं पाई जाती हैं और ये अपस्थानिक शाखाएं कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये अपस्थानिक शाखाएं वेंट्रल सरफेस थैलस की अभ्यक्ष सतह पर
उपस्थित होती हैं और जब ये अपस्थानिक शाखाएं एडवेंटेजियस ब्रांचेस मात्र थैलस से अलग होती हैं तो ये एक रिक्सिया का नया पादप बनाती हैं। तो इस प्रकार से एडवेंटेजियस ब्रांचेस के द्वारा रिक्सिया में कायिक जनन संभव होता है। तीसरा है बाय परसिस्टेंट एपाइसिस और चिरस्थाई शीर्ष द्वारा, बाय परसिस्टेंट एपाइसिस चिरस्थाई शीर्ष द्वारा क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली जातियों जैसे कि रिक्सिया डिस्कॉलर में प्रतिकूल परिस्थितियों में शीर्ष भाग के अतिरिक्त शेष थैलस नष्ट हो जाता है और यह शीर्ष भाग मृदा में दबा रहता है तथा अनुकूल परिस्थिति आने पर वृद्धि कर नए थैलस का निर्माण कर देता है। मतलब जब बेटा शुष्क क्षेत्र में, मतलब जो रिक्सिया की जातियां ड्राई हैबिटेट्स में उगती हैं जैसे कि रिक्सिया डिस्कॉलर। रिक्सिया डिस्कॉलर क्या है, ये शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली जाति है, ड्राई हैबिटेट्स में उगती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में रिक्सिया डिस्कॉलर में जो शीर्ष भाग है वो तो सर्वाइव करता है लेकिन शीर्ष भाग के अतिरिक्त शेष थैलस नष्ट हो जाता है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती है तो थैलस का शीर्ष भाग वृद्धि करके रिक्सिया के नए थैलस का निर्माण करता है। फोर्थ है, चौथा है बाय ट्यूबर्स, कंद के द्वारा भी रिक्सिया में कायिक जनन होता है। तो इन मैनी स्पीसीज ऑफ रिक्सिया लाइक रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया बल्बीफेरा, द एपाइसिस ऑफ द थैलस लोब्स फॉर्म पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ट्यूबर्स एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन एंड द ट्यूबर्स रिमेन डोरमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड एंड ग्रो इनटू न्यू थैलाई ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। मतलब क्या होता है बेटा, रिक्सिया की कुछ जातियों जैसे कि रिक्सिया डिस्कॉलर, रिक्सिया वेसिकेटा, रिक्सिया बल्बीफेरा में वृद्धि काल की समाप्ति पर बहुकोशिक गोलाकार चिरकालिक संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें कंद कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं। बेटा मतलब रिक्सिया में कुछ, रिक्सिया की कुछ जातियां ऐसी हैं जब क्या होता है कि जैसे कि रिक्सिया की कुछ जातियों में जैसे कि रिक्सिया डिस्कॉलर में वृद्धि काल की समाप्ति पर कुछ मल्टी सेल्यूलर गोलाकार स्फेरिकल चिरकालिक संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें कंद कहते हैं और ये कंद मतलब ट्यूबर्स शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं, शाखाओं के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, जो प्रतिकूल अवस्थाओं में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर मात्र पादप से यह कंद पृथक हो जाते हैं तथा नए थैलस में विकसित हो जाते हैं। अब बायराइजोइड्स मूलाभासों के द्वारा में रिक्सिया में क्या होता है, कायिक जनन होता है। तो रिक्सिया ग्लोका में मूलाभासों के शीर्ष पर एक विशिष्ट बहुकोशिक संहति का निर्माण होता है जिन्हें जेमा कहते हैं। ये जेमा अनुकूल परिस्थितियों में नव पादप का निर्माण करती है। तो एक स्लाइड और शेयर करती हूँ आपको। एक स्लाइड में भी शेयर कर रही हूँ बेटा आपको, ठीक है, रिप्रोडक्शन की है या फिर